doing budget show aur kya kya aane wala hai upcoming projects pe I'm working on my originals I'm from Rajasthan so I want to bring back Rajasthani music aur main apne channel pe kaam kar rahi hu and already 2-3 gaane release ho gaye hain which are being really really good so maine upload nahi kare thi so yeah and couple of film songs are there Thank you. Thank you. ये अवार्ड बहुत सम्मानपूर्वक है मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे मिला है और इस तरह के अवार्ड अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को सिंगर्स को और भी अपने अपने कला में जिन्होंने तरक्की की है उनको मिले ऐसा मैं चाहती हूँ और मैं शुभकामनाएँ देती हूँ मुख्य अवार्ड के सारे सारे सदस्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी आज आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड काफ़ी जो साल काम करते हैं उनको मिलता है मुझे भी उसी का मिला है काफ़ी सारे काम किए मैंने तो बहुत खुशी की बात है लता दीदी की तबीयत के बारे में अगर आप हमें बता सकें लता दीदी की तबीयत एकदम ठीक है बहुत बीमार थी वो लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गई साल इस साल में बहुत सारे हिट गाने आए हैं लोगों को बहुत पसंद है आप अगर बता सकें कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा है एंड आप ऐसे गुनगुनाते हैं अगर ऐसे गाने नए नए जो गाने आ रहे हैं मैंने वो आखिर में सुने नहीं है और पुराने गाने ही याद होते हैं ओके मैम थैंक यू थैंक यू चल बाहर आओ मार पे मार पे बैकअप कर देगा आप ही पूछ रहे टारगेट क्या है मार पे मेरा तो मार 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 इधर आज क्या पूछेगा आई एम एक्सपेक्टिंग गुड म्यूजिक गुड परफॉर्मेंसेज एंड सो मेनी अवार्ड्स नॉट फॉर मी बट फॉर अदर्स आई थिंक कबीर सिंह यू नो वो सबके दिलों पे छाया हुआ है एंड तेरी मिट्टी इज़ अ सॉन्ग एंड फ्रॉम आर फिल्म मनी कर्णिका यू नो देश से है प्यार तो आई थिंक दीज आर द सॉन्ग्स विच हैव बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट द ईयर एंड आई एम होपिंग कि मनी कर्णिका को भी कोई अवार्ड मिले एंड आई एम रियली होपिंग बिकॉज एवरीबडी यू नो हर कोई बहुत मेहनत से अपना अपना प्रिपरेशन करते हैं और इतने अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं सो आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स एन अवार्ड मैं खुद फिल्म फेयर में नहीं थी नॉमिनेटेड तो मैं क्या कहूँ उसके लिए जी मैं अपनी ही फिल्म का गाना गा सकती हूँ देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूँ या ना रहूँ भारत ही रहना चाहिए Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. बागी रिलीज हो रही है 6 मार्च को और आज हमारा गाना आया है एक आंख मारू तो सो आई रियली होप कि लोगों को अच्छा लगे और बस अच्छा लगे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आई थिंक यू नो टू वर्क विद सच बिग प्रोडक्शन कम्प्लीटली मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतनी बड़ी फिल्म एंड आई एम रियली होपिंग कि जैसे मणिकर्णिका को जैसे मणिकर्णिका में झलकरी को प्यार मिला वैसे मुझे भी प्यार मिले इस फिल्म में एज अ रूची थैंक यू वापस आएंगे अभी अगर चाहिए होता फिर कम बाकी दो घंटे ना
अनूप जी, झरोटा जी, अनूप जी एक मिनट, झरोटा जी, वो भंडारी जी छोड़ो एक मिनट, ये झरोटा जी, रुकिए रुकिए झरोटा जी, झरोटा, आएंगे आएंगे। अबे क्या कर रहे इधर उधर बाइक आ जाएंगे वापस। Lots of good music, performances and masti and celebration. Ji nahi, aaj main bas is bahut hi kamal ki night ka hissa banne aayi thi. I just want to sit there and just watch the performances and watch everybody win. जैसे जैसे जी आजकल हम किस फिल्म के लिए गाते हैं उतना पता नहीं होता बिकॉज सो जैसे जैसे रिलीज होंगे आपको सुनाई पड़ जाएगा जी इस साल फॉर श्योर।
वो सोचा नहीं है, वी वर्किंग ऑन सम सॉन्ग्स बट लेट्स सी, जो भी मन को अच्छा लगता है वी रिकॉर्ड इट। सो यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ए तुम लोग को चाहिए, तुम लोग को चाहिए वो चल चल अपना चल के लिए बागड़े का पैसा शेयर नहीं कर रहा ये ऊपर ना अंक के मंगवाओ और रिक्वेस्ट कर अरे ये सब सब रहने को फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा म्यूज़िक सुना है जो कि बहुत डिफरेंट है और मुझे कबीर सिंह के गाने अच्छे लगे। आई एम होपिंग कि ये दो पिक्चरों में अच्छा एक म्यूज़िक का जो कंपटीशन होगा वो होगा। जिस गाने को अवार्ड मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता, जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे मिलता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए जहाँ तक मुझे लगता है रेडियो मिर्ची में ऐसा नहीं होता है, वो इसलिए कि इसकी ज्यूरी में ही हम लोग हैं, आई एम पार्ट ऑफ द ज्यूरी और दिस इज एन एक्चुअली एन अवार्ड बाय आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। तो इसमें हम लोग ये नहीं देखते कि भैया कौन अपना है और किसने किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए, हम काम देखते हैं। इनफैक्ट वी डोंट इवन सम टाइम नो हु इज द कंपोजर। तो ये बहुत एक अच्छी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी है और यही रीज़न है कि रेडियो मिर्ची जो अवार्ड है वो सबसे वॉच्ड अवार्ड है। आप जानते होंगे इसकी TRP सबसे ज़्यादा है, जितने भी अवार्ड हमारे कंट्री में होते हैं बड़े बड़े फिल्म फेयर स्क्रीन, सबसे ज़्यादा रेडियो मिर्ची के व्यूवर्स। सो अगर आपका एक फेवरेट सॉन्ग अगर आप सुना सकें, कोई भी जो मतलब कोई भी एक गाना अगर आप, अगर मैं गुनगुना दूंगा तो वो कौन सा गाना है जिसको हमने नॉमिनेट किया आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी आप देखिएगा बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेज होने वाले हैं और जो गाना है मुझे लगता है कबीर सिंह को अच्छा लगता है। आपने कहा कि गली बॉय जो फेवरेट सॉन्ग है, पर सर गली बॉय का सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है उसका। हाँ, कहा जा रहा है कि केसरी का सॉन्ग सबसे अच्छा था गली बॉय से। नहीं, ये मैं मानता हूँ केसरी का गाना बहुत मेलेडियस है डेफिनेटली, बट गली बॉय इज अ वेरी डिफरेंट म्यूजिक, इट्स नॉट हैपेंड हियर बिफोर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा म्यूजिक का कंसेप्शन हुआ नहीं है, इसलिए उसको ये इस हिसाब से भी देखना चाहिए कि कोई नई चीज़ आएगी। थैंक यू। आपको कितना टाइम लगेगा? पर भाई ऐसा है कि अभी फिलहाल सच बोलो तो गुनगुनाने वाले कोई गाने फिलहाल मुझे याद नहीं आते हैं, लेकिन एक रैप सॉन्ग जो बहुत ही पसंद आया था वो था अपना भी टाइम आएगा। थैंक यू। बस Thank you. Thank you so much.
ये रोड वाला उनको वही मिलेगा और ये वाला सही जगह है, यहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान में ये गाना सुना है, मुझे बहुत ज़्यादा आप गाने के अलावा और कौन कौन सा सॉन्ग आपको इस साल काफ़ी अच्छे सॉन्ग हैं। अरिजीत का गाना दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, ये गाना बहुत अच्छा था। तो अपनी कुछ नहीं, मेरी सक्सेस जितने भी मैंने पाई है उसके पीछे पूरा स्ट्रगल है 10 साल का। 2010 में मैं आया था कानपुर से और देन अभी 10 साल में मुझे नॉमिनेशन मिला है और म्यूज़िक आशाएँ ये हैं कि सबसे पहली बात तो रेडियो मिर्ची ने अपकमिंग प्लेबैक सिंगर 2020 का नॉमिनेशन मुझे दिया, तो ये अच्छा लगा कि ठीक है राधे राधे मैंने गाया और इतना बड़ा हिट हुआ तो मुझे नॉमिनेट किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। ज़रूर घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां, घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां, ये प्रीत है पुरानी मैं राजा और पुरानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे, ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 राधे, ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे, राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे, राधे राधे। थैंक यू सो मच जी। अभी बहुत ज़्यादा नहीं गया, मेरी आवाज़ में रिलीज़ हो जाए, और जिसमें एक तो लॉक है, एक तो ज़रूर आ रहा है, अच्छा गाना है, रॉक गाना है, दूसरे का पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। क्या
गया भाई। भाई और लेके भी गया। अरे छोटे जगह में अच्छा होगा, आज बड़े जगह में खड़ा जगह में मजा नहीं आ रहा। ये आके गई थी अभी आगे बर्तन लेके। अरे My favorite, who said Vaste? Yeah, my favorite song too. And we are nominated today, so I hope we win. But otherwise, I think all the songs were like really good, bro. And I think Bekhayali was my favorite out of the lot too. Let's see now. प्यार जितना मिले उतना कम है आई फील एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्यार मिलता है तो लोग खुशी होते हैं एंड आई फील लाइक मुझे भी यू नो सेम ही मैं इमोशन फील करती हूँ एंड इट्स गुड अभी तो ना जादू रिलीज़ हुआ है एंड आई विल वर्क ऑन समथिंग मोर तो देखते हैं अभी लाइक 2-3 मंथ्स में और एक्चुअली जब ये रिलीज़ होने वाला है 22 मार्च को मे बी देयर बी समथिंग नहीं आज मैं सिर्फ नॉमिनेटेड हूँ सो सिर्फ थोड़ा बैठने आई हूँ ऑफ कौन सा गाना है गुन ऑफ कोर्स ना उसको गाने तो गाओगी ना तो ओके वास्ते ओली वास्ते जा भी दूँ मैं गवाही माँ भी दूँ इसम तू कल का मूड तू बहुत ही खुशनसीब है एंड आई एम वेरी थैंकफुल यार सबको इतना पसंद आया एंड ट्रेलर भी अच्छा लगा दोनों गाने सही आज एक और गाना आया है 10 गाने भी आया था वेल ट्रेलर्स जब अच्छा लगता है ना दैट्स द बेस्ट फीलिंग यार एंड वही आपकी फिल्म की प्रमोशन है पब्लिसिटी है एंड दैट इज़ व्हाट टेल्स कि ऑडियंस आएगी कि नहीं
आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? बस दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, थैंक यू सो मच यार। देखिए मुझे शूट करना था फिल्म एक्चुअली सीरिया में, बट एज यू नो कि आई कांट शूट दैट, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम लोग सर्बिया गए थे और सर्बिया में मैंने दो बड़े सेट लगाए थे जो बिल्कुल एक डिस्टर्ब सीरिया लगे, तो वो एक्चुअली सेट थे दोनों। सो थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर जिन्होंने अग्री की मेरी जिद को एंड वो हमने इतना बड़ा सेट लगाया जी। यू सो राइट, ट्रेलर इज लाइक द बुक का कवर, मेन्यू कार्ड। तो जो ट्रेलर का रिस्पॉन्स अच्छा आया, वी वेंट बैक टू द एडिटिंग रूम एंड मैंने कोशिश की कि टू रिटेन बैक सर्टन थिंग्स, जैसे एक्शन का हो गया चीज़ें, एंड जो आपने ट्रेलर में एक्शन देखा है आई कैन प्रॉमिस यू दैट इज जस्ट 40%। आई डोंट नो, आई एम एनी सिनेमा इज गुड यार, एज फार एज इंडिया से गया है कुछ चीज़, मेरे हिसाब से जो भी फिल्म जाए आई एम वेरी हैप्पी। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बेशक बेशक। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूज़िक में एक ऐसा एक फेस्टिवल होना, एक ऐसा अवार्ड होना जिसमें सिर्फ म्यूज़िक को सेलिब्रेट किया जा रहा है, आउट ऑफ सो मेनी अवार्ड शोज जो हम लोग की कंट्री में, दिस वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड फॉर कंट्री। तो मिर्ची म्यूज़िक, यू गाइस आर ऑन अ रोल एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, आई थिंक जो भी होगा अच्छा होगा और देखते भगवान किसकी तरफ है। बे माही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग आई थिंक, और धीमे धीमे देन और अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। मेरे भी एक्चुअली हम लोग साथ में ही हैं तो साथ के ऑप्शन रहेंगे, बट बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स निकले हैं। कोका कोला बहुत हिट हुआ और मुकाबला ने बहुत अच्छा किया इस साल, जो परंपरा ने गाया था। अपना टाइम आएगा इज अ कॉमन फेवरेट, वे माई भी अच्छा है बहुत। बस आई थिंक इस महीने में आ जाना चाहिए, एक और रिलीज है सो वो होगा, और भी बहुत सारी फिल्म्स हैं जो आती रहेंगी भगवान की दया से, बस काम अच्छा करते रहना हम लोग का फ़र्ज़ है, एंड ताकि कोई निराश ना हो, जो ऑडियंस है जिन्होंने प्यार दिया है तो आई थिंक वो कम नहीं होना चाहिए। जो रीमेक्स का रिवाज चल रहा है ज़्यादा, बट उस क्लटर में होने के बावजूद भी तीन चार एल्बम्स हैं, कलंक, केसरी, कबीर सिंह, भारत, तो काफ़ी अच्छे गाने आए हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि अंदर भी वही उन्हीं गानों पे परफॉर्मेंस होगी और बहुत सारा मज़ा आने वाला है। एंड मेरी भी एक परफॉर्मेंस है स्म्यूल की एक्ट के ऊपर, सो वी आर डेडिकेटिंग इट टू द होल इंडिया, कैसे इंडिया जो है वो एक ऐप के द्वारा जोड़ा गया है, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो। सो दैट्स इस साल का फेवरेट सॉन्ग मैं कहूँगा कलंक का टाइटल ट्रैक। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे,
तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे दीवानी तू मेरी मैं तेरा बादल पिया हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी ना जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दर्शन रावल कौन सा गाना गा तुम बोलो गाली गा दे खतरनाक है दर्शन भाई आइए क्या बोला हाँ भाई जी मैंने जब म्यूजिक शुरू किया था तब मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री का पार्ट बनना था व्हेन आई वाज इन अहमदाबाद तब मैंने सोचा था कि एक दिन शायद अगर मौका मिलेगा तो सारे सिंगरों के बीच में परफॉर्म करेंगे उनसे मिलेंगे सो आई थिंक पिछले 10-12 साल से मेहनत चल रही है कि इस इंडस्ट्री का पार्ट बने और पिछले 3-4 साल से आई एम लकी इनफ कि मुझे फिल्मों में गाने मिल रहे हैं और मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना हूँ सो आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं यहाँ पर अवार्ड फंक्शन में आया हूँ और परफॉर्म भी करने वाला हूँ सर मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ही ज़्यादा डिजर्विंग नहीं हूँ पर मैं यहाँ जहाँ पहुँचा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो फैंस हैं उनके सपोर्ट की वजह से पहुँचा हूँ क्योंकि मेरे से हजारों लाखों गुना टैलेंटेड लोग इंडिया में हैं बट आई थिंक ऑल माई फैंस और उनके प्यार ने मुझे यहाँ पहुँचाया जहाँ पर भी मैं पहुँचा हूँ सो ऑल द क्रेडिट गोज टू ऑल माई फैंस सर वो लव यात्री का सॉन्ग हर किसी की डिमांड है छोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेरुजुए तारी वाट रे छोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेरुजुए तारी वाट रे यहाँ वहाँ कहाँ जी 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 बताइए गर्मी बहुत है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए हम लोग जहाँ से आते हैं जो हमारी शुरुआत रही है हम लोगों के लिए बहुत ही सपने जैसा है और मेरे लिए तो स्पेशली बहुत स्पेशल है 2019 ये ईयर क्योंकि लिसनर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर फिल्म कैटेगरी में कोका कोला और नॉन फिल्म कैटेगरी में सॉन्ग ऑफ द ईयर धीमे धीमे तो दोनों बोथ द वर्ल्ड्स का यू नो बेस्ट सॉन्ग थैंकफुली माता रानी भगवान जी की कृपा से हुआ है तो आई एम रियली हैप्पी थैंक यू आजकल जो भी आप गाने गाते हैं चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो बोल रहा हो जो भी आप गा रहे हो सारे हिट हो रहे हैं तो किस तरीके से आप देखते हैं इस प्यार भाई मैं इसको ये देखता हूँ कि समटाइम्स गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू और वो आपको ब्लेस कर देते हैं आप कई बार यू नो कुछ अच्छा मुझे देखो म्यूज़िक तो सभी कर रहे हैं सभी लोग इस इंडस्ट्री में हैं पर एक वक्त आता है जब भगवान आपको सारी पॉजिटिविटी सब कुछ ये ले बेटा तो वो हो रहा है बाकी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में हैं आई फील कि मैं ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ मेहनत तो भाई हाँ मेहनत बहुत की है बहुत 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 रातें जगे हैं बहुत सोए नहीं हैं बहुत बहुत स्ट्रगल किया है पर आई थिंक शायद उसका नतीजा है टोनी जी सभी की डिमांड है कि धीमे धीमे कोका-कोला दोनों सभी का आपके फेवरेट है जी आपका फेवरेट है वो आप एक लाइन सुना सकते हैं अब अभी क्या हो गया कि मेरे ये गाने धीमे धीमे कोका कोला और अभी गोवा बीच आया है या यारी है ये सारे गाने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं पर मेरी जो सोल है जो मैं ओरिजिनली जहाँ से मैंने शुरू किया था सावन आया है और मिले हो तुम
तो मैं मिले हो तुम का दो लाइनें सुना दूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू। I'm really excited to be here because we've just had a single release. I did the song with Adnan Sami and it's crossed 12 million views and we're really excited about it. So I'm very happy to be here. I think in today's times of a lot of remixes, it's an original song and I'm very happy people are liking it. Also, the video has like a classical touch. It's got like this fairy tale vibe and I'm very excited that I could be part of an Adnan Sami video because like I've seen Tera Chehra and his other videos. And I've always wished, like when I saw Tera Chehra and I saw Rani Mukherjee, I was like, wow, someday I want to do a video like this and I got to do that with this. So, thank you. सर फिल्में बनती हैं, ढेर सारे गाने हैं, सिंगल आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि आज अगर आप फ्यू लाइन्स गुनगुना सके जो आपका फेवरेट है, फेवरेट सॉन्ग जो आपका। मैं सिंगर थोड़ी हूँ जो मेरे से गवा। माय फेवरेट सॉन्ग इज तुम ही हो, बस तुम ही हो, बस तुम ही हो जिंदगी, बस तुम ही हो। सॉरी बहुत बेसुरा है लेकिन जी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़्यादा ऑडियंस देखना पसंद करती है। और अभी इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है ताना जी से, फिर मलंग से, अब लुकिंग फॉरवर्ड टू शुभ मंगल ज़्यादा साहब जान जो परसों रिलीज़ हो रही है, और फिर थप्पड़ है। सो काफ़ी जी 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 कई सारे लोगों ने दिल्ली में हुई थी जी जी जी, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। डेफिनेटली उनको मैंने अभी ही इन्वाइट किया था लेकिन शी वॉज ट्रैवलिंग, तो अभी वो आके वापस देखेंगे। सर बालाजी के साथ भी आपने बॉन्डिंग किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उनके साथ हम फर्स्ट एसोसिएशन में एक विलन टू शुरू कर रहे हैं और उसके बाद बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम साथ में अनाउंस कर रहे हैं। सत्य में विजय थे टू मैं कर रही हूँ डेफिनेटली, और भी हैं जो अभी धीरे धीरे अनाउंस होंगे। थैंक यू। हेलो भाई, अच्छा एक कर दो ना, अरे पासिंग
सबसे पहले तो मेरे साथ है शाहरुख और अल्ताफ, गली गैंग है यहाँ पे और आई एम वेरी एक्साइटेड। फिल्म फेयर मालूम है हम लोग जीते बेस्ट लिरिक्स और आज भी 5-6 नॉमिनेशन है तो देखते क्या होता है। मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ लेकिन परफॉर्मेंस देखूंगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस इनसाइड। अभी तक अंदर गया नहीं। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है, ऐसे कुछ मिलेगा देखते हैं। उड़ जा अपनी राख से, तोड़ जा अब तलाश में, परवास देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा आएगा, अपना टाइम आ गया देखते रहो। सर वो ऐसे कौन कौन से गाने हैं जो आपके काफी करीब हैं, आप गुनगुनाते हैं? अरिजीत सिंह का म्यूजिक कुछ भी हो बहुत खूबसूरत होता है। नए नए अच्छे कंपोजर्स हैं, मिथुन और बाकी भी कुछ नए हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिलती है उनको अच्छा म्यूज़िक करने के, बिकॉज फिल्में चेंज हो रही है, रीमिक्स बहुत हो रहे हैं, तो वो दौर है वो भी चला जाएगा। अच्छा म्यूज़िक है, अच्छे गाने वाले भी हैं, हम सब हैं, अरिजीत है, अरमान है, बेनी है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और होगा भी। इन दिनों सर आप भी सुनते रहते हैं कि ढेर सारी बातें होती कि ये गाना इस गाने को क्यों मिल गया, ये गाना मिलना चाहिए, इस गाने को अवार्ड मिलना चाहिए, वो गाना क्यों, कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? हमने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जहाँ पे शंकर जयकिशन जी के टाइम पे भी सुनाई देता था कि अब मदन मोहन साहब को आज तक कभी फिल्म फेयर नहीं मिला तो वहाँ तब भी कहा जाता था कि ये करेक्ट नहीं है, तो कुछ तो लोग कहेंगे। अजय अतुल के साथ बहुत सारी अच्छी, अभी पानीपत का म्यूज़िक भी बहुत मज़ा आया, दो गाने हमने किए उनके साथ, उसके पहले भी हमने शाहरुख सर के लिए जीरो में बहुत खूबसूरत गाना किया अजय अतुल के साथ। सबसे ज़्यादा मैं काम अजय अतुल के साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत पुराने दोस्त हैं और वो बहुत प्यार करते हैं, जो मैं कंट्रीब्यूशन मेरे म्यूज़िकली जो कंट्रीब्यूशन देता हूँ उससे। प्रीतम के लिए भी बहुत गाने किए हैं, फिलहाल नहीं किए हैं बहुत ज़्यादा, मगर सबसे ज़्यादा म्यूज़िक अजय अतुल के और कुछ नए बच्चों के साथ कर रहा हूँ, तो आई एम एक्साइटेड। सिंगल्स काफ़ी रिलीज़ हुई है, 14 फरवरी को दो सिंगल्स रिलीज हुई, एक वॉज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया एंड वन वॉज जस्ट अ लव सॉन्ग। Thank you.
बैठ ले चल देश का इकलौता वन एंड ओनली इट्स स्म्यूल मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड. सो आई एम रियली हैप्पी. और जहाँ पे जो भी म्यूज़िक में जिन्होंने भी सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है उनको अवार्ड दिया जाएगा. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. Actually, I'm doing this film. It's one is the South remake and one is a female centered film by Smule. So I just feel about. I actually don't know about the controversy or anything. Ma'am, आपके outfit के बारे में आप बताएंगे थोड़ा. बहुत ही beautiful लग रही है आप. Thank you. I think the outfit was एक महीने से ज़्यादा लगा उसको prepare करने में. और it was designed by this Kosovo-based designer Albina Dyla. Red color का outfit था और red rose inspired था. So yeah, thank you so much for loving me. मैम, जैसे कि 3 मार्च को निर्भया के जो रेपिस को फांसी दी जाएगी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? कई सारी महिला है जो वो उनके पक्ष में भी बोल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू. अरे अभी यहाँ आ गए ना तो यार, इधर का काम बता. अरे यार, सर साथ क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? मिर्ची म्यूजिक नाइट है, आप क्या कहना चाहेंगे? सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन मिर्ची म्यूजिक नाइट एंड हियर वी गोना शो आवर ट्रेलर एंड पूर्वी कोटिश is going to sing Jwalamukhi. She's a singer from 99 songs. This is a hero, Ihan Bhatt. We are proud to present him, and it's a movie. It's got a story. It's not a music album alone. And thank you so much for supporting, and I want all your love. इस साल के कौन-कौन से गाने सर आपको बहुत ही पसंद आए और आप फ्री टाइम होता तो आप गुनगुनाते रहते हो? I have been mixing this movie, so I'm not in the loop much. I've been just working on the movie just to finish and so I can get it out in time. So we have 14 to 15 songs in 99 songs, and one song is releasing tomorrow, and then probably every 2 weeks there'll be songs releasing. Sony Music is doing the music release. Sir, trailer launch ho chuka hai, so aap bataiye ki kaisa kya response mil raha hai 99? Well, I feel very good. It's you comfortable? Yeah, so the response is like very good. Like last night we released the trailer, and everyone is appreciating our efforts, and there's a lot of positive feedback, and people are desperately waiting for the songs to come out. Like every comment is about this album is another big thing, you know. So I'm really excited that I'm part of this, and thank you Rahman sir for giving me this opportunity to carry forward your dream. Madam, what would you say about? मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि ये सॉन्ग जिस दिन मैंने पहले सुना था उसी दिन से मेरे गूज़बम्प्स घूमते खड़े हो गए थे. तो आई एम सुपर ग्रेटफुल टू सर फॉर बिलीविंग इन मी फॉर दिस सॉन्ग एंड ट्रस्टिंग मी विद दिस सॉन्ग, एंड आई एम सुपर थ्रिल्ड टू बी परफॉर्मिंग दिस विद हिम. वी आर सो प्राउड टू
introduce another singer who's like a powerhouse. If you hear a song, it's her performance is extraordinary. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Oh, Sujit bhai. Oh, Sujit bhai. Aur ke sath chahiye kya? Aur ke sath. Arey, aao aao bhai, idhar aao. Kahan hai madam ka? Hum bari aane ka aaj. Sujit bhai. Left hai machhi mandi hai. Wo pani wala pani. Sir, चीता भाई एक माइक पे भाई मरवा के जाएगा पूरा बहुत अच्छा लग रहा है भाई इस साल बहुत प्यार मिला है जनता से बहुत सारा प्यार मिला है कबीर सिंह के लिए नोटबुक के लिए सांड की आँख के लिए तकरीबन 27 गाने आए 2019 में तो बहुत बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया और जब अवार्ड फंक्शन कोई नॉमिनेट करता है तो बहुत ऐसा लगता है कि केक हमारे पास है चेरी किसी और नहीं होगी हाँ सांड की आँख उसको मिला मुझे मिला आई गॉट द फिल्मफेयर फॉर बेस्ट म्यूजिक सो बहुत खूबसूरत साल जा रहा है और उम्मीद करता हूँ जो प्यार और जो सात लोगों का मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहे और खूबसूरत अवार्ड फंक्शन होते रहे एंड आई कीप कमिंग टू दिस फंक्शन फॉर मूवीज कबीर सिंह या ओनली सिंह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी थैंक यू सो कैसे हुआ थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू आज अरे आज की शाम नहीं आज मैं बैठ के देखूंगा और आज मैं एंजॉय करूंगा तो आज की शाम का जो संभाल रहे हैं वो कोई और है आज मैं बैठ के सिर्फ चिल करूंगा मस्त गाने सुनूंगा अपना फन करूंगा किसकी परफॉर्मेंस का इंतजार होता है विशाल विशाल शेखर जी की परफॉर्मेंस को मैं देखना चाहूंगा एंड बहुत से अमेजिंग गाने हैं 2019 में तो उनके मेरे फेवरेट अगर आप पूछे गली बॉय का जो एल्बम था दैट वो समथिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा और कबीर सिंह हैंड्स डाउन आई मीन गली बॉय एंड कबीर सिंह टू ग्रेट एल्बम्स विच आर माय टू फेवरेट फ्रॉम 2019 म्यूजिक नाइट है आज की तो कोई गाना सुना सकते हैं मैं सुना है भाई मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ कसम से मैं क्या सुनाऊँ भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ मैं गाता नहीं अच्छा मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ चाहे मैं अपने एक दोस्त है मेरा हार्डी संतोष का एक पंजाबी गाना सुनाता हूँ ये गाल हमेशा खींचने दिल करता है क्या सुनाऊं भाई तू मेरे वाल तकदी रवे ना मेरी तेरे तो नजर हट दी मैं तेरा है ब्लड गोरिए तू बैकबोन जट दी बस यार थैंक यू मेरे भाई बाय
अच्छा लग रहा है. मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है, पर क्योंकि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, मूड मेरा अपलिफ्ट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनकर. दैट्स व्हाई आई एम अटेंडिंग अवार्ड्स. कौन कौन से गाने सुनती आप इस साल के 2019 में? मलंग के बहुत अच्छे हैं, कबीर सिंह के बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे वो जोन ज़्यादा अच्छा लगता है. यू नो मैं हिंदी गाने कम सुनती हूँ, पर कबीर सिंह और मलंग के गाने मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. खतरों के खिलाड़ी में भी आपको देखा जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आने वाले एक्साइटमेंट है मैम आपको मतलब खतरों के लिए? बहुत नर्वस हूँ मैं, क्योंकि अभी बस 3 दिन में ही खतरों के खिलाड़ी शुरू हो रहा है. ये मेरा जोन बिल्कुल नहीं था ये शो करने का, पर कैसे भी करके हिम्मत जुटा के मैंने ये शो किया है. आई एम रियली एक्साइटेड. आप लोग सब देखना ज़रूर. हाँ, विनर फिक्स होगा या क्या होगा? कैसे विनर फिक्स हो सकता है, रियलिटी शो है. कुछ निकल कुछ भरोसा नहीं होता. नहीं, हमारे शो में ऐसा कुछ नहीं होता है, विनर कोई फिक्स नहीं होता है. इट इज गुड. ओके, इसके अलावा मैम थर्ड मार्च को निर्भया की जो रेपिस को फांसी दी जाएगी, लेकिन हमने देखा कि कई सारे डिलेज होते जा रहे हैं. पहला कहा गया था जनवरी में होगा, फेब में होगा, लेकिन अब मार्च में हो रहा है, तो इस डिले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर वक्त डिले होता रहता है. अब डिले हो रहा है, बहुत दुख की बात है, मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि जस्टिस मिलना चाहिए बहुत जल्दी, पर डिले हो रहा है, पर फाइनली हो रहा है, तो लेट्स सी एट द पॉजिटिव साइड. थैंक यू. मैं तो आउटडोर पार्टनर हूँ, जब से रेडियो मिर्ची म्यूजिक चालू हुआ है अवार्ड, तब से मैं उसका पार्टनर हूँ. फिल्म फेयर और बेवरा 90% मूवी और अवार्ड मेरे पास, और जूने गाने सब मेरे मुंह पे है. गाला तो मैं बाथरूम सिंगर हूँ, नहीं गा सकता. अहमदाबाद में 100% लगाने वाला हूँ ना मैं, वेलकम ट्रंप का होर्डिंग में लगा रहा हूँ ना. फोटो का कैपेसिटी नहीं है, थोड़ा बहुत सॉलिड सिक्योरिटी है, फोटो का पॉसिबिलिटी नहीं है. बात करना है मेरे से कि नहीं करना है? बोर हो गए आप? आप मुझे राधे के बारे में नहीं पूछेंगे? अरे ऐसे कैसे चलेगा यार? आपको आप बोलिए क्या करना है. साल 2019 के वो ऐसे कौन कौन से सॉन्ग हैं जो आपको बहुत ही पसंद है? तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम. ये मेरा फेवरेट है, बिल्कुल. लेकिन अवार्ड ही नहीं मिल पाते कबीर सिंह को. हाँ जी, कबीर सिंह के अवार्ड नहीं मिल पा रहे, कहाँ पे भी देखे हम अवार्ड नहीं मिल पा रहे, क्या कारण है? आपको लग रहा है ऐसा? हाँ. क्या आप कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जान बूझ के पूछ रहे हो? आप आपको मालूम है क्या हुआ है 2 दिन पहले ट्विटर पे? तो मेरे हिसाब से कबीर सिंह का एल्बम सबसे बेस्ट था, और हर अवार्ड उनको तो मिलना ही चाहिए. मैं बोलूँगा, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी बोल दूंगा, कि मुझे लगता है कि फिल्म फेयर में भी मनोज मुंतशिर सर को जीतना चाहिए था तेरी मिट्टी के. आई लव मनोज सर वर्क माई सेल्फ, मेरे गाने लिखे हैं उन्होंने, तो आज मैं नॉमिनेटेड हूँ एक गाने के लिए. गाने का नाम है वो बारिश है, तो वो गाना भी मनोज सर ने ही लिखा है. तो आप इतना खुश हो गए हो, देखो इतना कुछ कंट्रोवर्शियल बोला, ऐसे कुछ इतना हंसमुख हो गए आप तो. हाँ नहीं, मुझे तो लगता है. अच्छा ऐसे क्या बात, क्या बात है. और कुछ? थैंक यू जी. सही बात है भाई.
excited. Me, can you please repeat? How much excitement you are? I'm very excited to be here. It's always beautiful to have beautiful and talented people around. We share the same love, which is music. So I'm happy to be here. Mam, 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 mam